गुड इवनिंग प्यारे बच्चों मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर एटी सिक्स सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है क्लास आपकी नाइन्थ है और ये वर्कशीट है बीस फरवरी की कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन रिविजन विच ऑफ़ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे डॉक्टर भीमा राव अम्बेडकर पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे यंग इंडिया मैगजीन इज रिलेटेड टू महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू सरोजनी नायडू या अबुल अब्दुल कलाम आज़ाद तो आंसर है महात्मा गांधी यंग इंडिया मैगजीन से रिलेटेड थे हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेजिडेंट हैं द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजाइड इन द डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो भारत के संविधान की आत्मा है वो भारत के प्रियम्बल में लाए करती है वट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज को लेकर आना नए चेंज को लेकर आना क्या कहलाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहलाता है तो चलिए इसके आंसर को करते हैं एनी मोडिफिकेशन और चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज कार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ओके तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब सिक्स क्वेश्चन जो है ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है इसमें क्या होगा द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू ठीक है बेसिक वैल्यू यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या फॉलो करने वाला है कौन कौन सी बेसिक वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला है उनकी एक छोटी सी स्टेटमेंट है ठीक है उस स्टेटमेंट को नाम दिया गया है प्रियम्बल ओके okay? टेकिंग इंस्परेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल अमेरिकन मॉडल की से इंस्परेशन लेके मोस्ट कंट्री इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रियम्बल बहुत सारी कंट्रीज़ ने क्या किया अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है वो प्रियम्बल से शुरू किया द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी ठीक है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से पोएम की तरह पढ़ा जाता है इट कंटेन द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ड कि हम ये ये रूल फॉलो करते हुए बाकी कई कॉन्स्टिट्यूशन को लिखेंगे इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड यूलट एनी वैल्यू एन एक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट टू फाइंड आउट whether it is a good or bad. मतलब कोई भी लॉ को देखने के लिए कि भाई ये जो लॉ पास किया जा रहा है ये सही है हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग है कि नहीं इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है तो चलिए ये आपके सातवां आठवां ये दो ये चार क्वेश्चन सातवां आठवां नौवां दसवां वट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वा इज़ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न तो ये इसका तो आ जाएगा कि अमेरिकन जो आपका मॉडल है अमेरिकन कंट्रीज से जो है वहां से इंस्पिरेशन लेके ये लिखा गया है और प्रियम्बल क्या है ये दिया ही हुआ है कि एक जो सो शोर्ट स्टेटमेंट है बेसिक वैल्यूज की तो किस तरीके से लिखेंगे देखते हैं वट इज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ अ बेसिक वैल्यू दिस इज कार्ड द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नेक्स्ट वाई इज द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न Taking inspiration from the preamble of USA constitution, the preamble of our constitution has been written to briefly introduce the philosophy, purpose and value of the Indian constitution. Next, hai, what is the philosophy behind framing our constitution? Philosophy kya hai philosophy hai ki of our constitution is that the value guideline that inspired the freedom struggle. जो कि फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर हैं ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सच एज़ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सेकुलरिज्म सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फ्रीडम इक्वालिटी फटर्निटी नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये सब हमारे क्या हैं ये बेसिक वैल्यू हैं इनको ध्यान में रखा गया है ताकि सभी जो सेक्शन हैं सोसाइटी के उनको एक इक्वालिटी मिले ठीक है सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिले यानी कि सबको वोट लेने का अधिकार है सबको नेता बनने का अधिकार है ठीक है हर धर्म सेक्युलरिज्म यानी कि धर्म निरपेक्ष है किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता है सब धर्म आपसे आप से रह सकते हैं ठीक है अब चलते हैं नेक्स्ट हाउ वुड बी आवर लाइफ इफ देर वीड नो कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई रूल ही नहीं होंगे तो ऐसे तो होच पोच हो जाएगा ट्रैफिक रूल्स को ही देख लो तो गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाएंगे तो वो रूल्स होने बहुत जरूरी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एक रूल्स की बुक है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री इट गिव फ्रीडम टू लिव लाइफ विद इन द दिव्यू ऑफ लॉ द पावर एंड वर्क ऑफ द गोवर्मेंट डिटरमाइन द मोडस ऑफ रेंडी आप एक बात बताओ अगर मान लो ऐसा होगा तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना अगर कोई लॉ नहीं होगा तो जिसके पास ज़्यादा पावर है जिसके पास पैसा है वो तो गरीब को बिल्कुल ही नहीं जीने देगा अब कम से कम गवर्नमेंट का सहारा तो होता है गवर्नमेंट वुड भी ऑटोक्रेटिक हो जाएगी वी कैन नॉट यूज़ आवर फंडामेंटल राइट्स देर वर विल बी नो फिक्स लॉज यज अनटचबिलिटी कास्ट एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन वुड भी हाई हाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे वट कंट्रीब्यूशन हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन एबलिशिंग सॉरी वॉट कंट्रीब्यूशन हैज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन एबोलिशिंग डिस्क्रिमिनेशन इन द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या योगदान दिया है डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को हटाने के लिए ठीक है अब हम क्लास में जाते हैं हमें पता नहीं होता कौन किस कास्ट का ऑफिस में जाते हैं हम पूछते ही नहीं है हमें ध्यान ही नहीं रहता है पहले तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता था द फॉलोइंग प्रोविजन हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू एबॉलिशिंग डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल फोर्टीन प्रोवाइड इक्वलिटी ऑफ अ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल द यानी कि लॉ की, की नज़रों में सभी इक्वल हैं और सभी को लॉ इक्वल संरक्षण प्रोवाइड करता है

Should we follow the rule of constitution? Hum q follow We must follow the rule of constitution because these rules have been made to for the interest of the citizen and to maintain the law and order. And for the success of the democracy, it is also necessary that all citizens follow their duties and rules. ओके okay, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच बच्चों आप इतना प्यार देते हैं इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं थैंक यू सो मच फॉर देट थैंक यू हैव एन नाइस डे मी गुड ब्लेस यू